अखिलेश जी चुनाव के दौरान भी समझ गए थे कि लोग समाजवादी पार्टी की ओर गंभीर नहीं, क्योंकि पहली सूची उनकी जारी हुई थी तो उसमें जेल और बेल वाले ज़्यादा थे, उम्मीदवार कम, जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले ज़्यादा थे। मैंने तब भी आरोप लगाया था, उसके बाद उनकी कोई लिस्ट जारी नहीं। एक के बाद दूसरी घटना घटी, वहाँ पर पुराना चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा ही समाजवादी पार्टी का नजर आया। और चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतज़ार कीजिए, ये वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है, और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। ये वो लोग हैं जो दंगे अपराधियों आतंकियों को शरण देते हैं। मैंने एक और कहा था, अखिलेश जी के चार यार आतंकी, गुंडा, माफिया और भ्रष्टाचार, ये उनके ऊपर पूरी तरह से चिपकते हैं और इनसे वो पीछा नहीं छुड़ा पाए। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर काम किया है, ये पुराने वाला MY फैक्टर नहीं है, ये मोदी जी योगी जी फैक्टर है। मोदी जी की योजनाएं MY, मोदी जी की योजनाएं ये फैक्टर है। और मैं कहना चाहता हूं ये इतिहास मोदी जी के नेतृत्व में रचा गया है, रचा जाएगा, क्योंकि 90 के बाद आज तक पिछले 32 सालों में कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई, कोई पार्टी वापस सत्ता में नहीं आई। मोदी जी के आशीर्वाद से, उनकी केंद्र की योजनाओं से, योगी जी की बेहतर कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में बनी और स्कीम्स को नीचे लागू करके आम जनमानस को लाभ दिया, जान बचाई, कोविड प्रबंधन, कानून व्यवस्था, गरीब कल्याण के कार्यक्रम, कि बहुत बड़ा ताकत योगी जी के साथ थी और इसलिए लोगों ने मोदी जी योगी जी को वोट दिया।